कर लिया है। साथ ही पुलिस ने किलो गांजा भी बरामद किया है। इस मामले से संबंधित जानकारी पुलिस लाइन परिसर में एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि 11 फरवरी 2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हरा रंग एचएफ डिलक्स बिना नंबर की मोटरसाइकिल मिर्जा चौकी की ओर गांजा लेकर आ रहा है। सूचना के आलोक में एसडीपीओ के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी करते हुए रेलवे फाटक के पास उक्त एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल का पीछा करके हनुमान मंदिर के पास रोक लिया गया। घटनास्थल पर तलाशी लेने पर पकड़े गए व्यक्ति के मोटरसाइकिल की डिक्की को खोलने पर प्लास्टिक में रखा गांजा पाया गया। साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। 11/2/21 को थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति डीलक्स मोटरसाइकिल में गांजा लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित एक टीम गठित की गई थाना प्रभारी के नेतृत्व पे, और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छापामारी दल ने सर्च अभियान के क्रम में, तलाशी के क्रम में लगभग 1 किलो गांजा बरामद किया है, और उससे आवश्यक पूछताछ के क्रम में बहुत सारी बातें आई हैं जो हम लोग आगे करेंगे। ये सर कहाँ? ये साहेबगंज से मिर्जा चौकी। नहीं, ये गांजा ला ये यार तो बहुत आइडिया नहीं है।